नमस्कार, सिटी न्यूज में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। पब्लिक टीवी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनके संपादक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। चैनल के मुताबिक मुंबई पुलिस बुधवार को उनके घर पहुंची और अपने साथ पुलिस वैन में बैठाकर ले गई। समाचार एनटीपीसी के अनुसार पुलिस का कहना है, अर्णव गोस्वामी को गठित तौर पर 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर के आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अर्णव गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनकी पत्नी, उनके बेटे और सास ससुर के साथ हाथापाई की है। रिपब्लिक टीवी के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अर्णव गोस्वामी के घर के अंदर घुस के ही पुलिस दिख रही है और उनके साथ झड़प करती हुई भी दिख रही है। चैनल पर चलाए जाने पर एक वीडियो दिख रहा है कि अर्णव कोविड पर बैठे हुए हैं। चैनल का दावा है कि अर्णव गोस्वामी उस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं जो पहले से ही बंद हो चुका है। खबर आने पर तुरंत बाद ट्वीट अर्णव गोस्वामी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि इसमें इमरजेंसी के दिनों की याद दिला दी। उन्होंने ट्वीट किया, मुंबई ने प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है, वह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है। वहीं कंगना रनौत ने भी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दिखाई है।